हेलो गाइस, गुड इवनिंग, शुभरात्रि में ओमेमरागोन आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। नलुम काने तन्ने रंगाम दौलुम नलुम मैं ओके चैनल लो पर कुमरुक सिदो सीन्यूम ओ ओके आगे के ओकुम लो नलु दिवाली त्योहार मानी दो द मानी नाम पर बोले नलुम ओ शेयर पर मलम दो आज आप सभी को मैं अपना घर में कैसे दिवाली मनाती हूँ तो वो पल को आप सभी को शेयर करना पसंद करूँगी। तो उसको दिखाने से पहले मैं आप सभी को दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं उसका विषय में थोड़ा सा शेयर करना पसंद करूँगी। ये दिवाली जो एक्चुअली विक्ट्री ओवर लाइट टू द डार्कनेस, डार्कनेस को अंधेरा को प्रकाश जो कैसे जीतते हैं ये सिग्निफाइज करते हैं ये दिवाली में। और नॉलेज और नॉलेज ओवर द इग्नोरेंस, जो ज्ञान जो अज्ञानता को कैसे हराते हैं तो उसका भी ये सिग्निफाइज करते हैं। और गुड ओवर द इवल्स, अच्छाई जो हमेशा जीत होते हैं और जो कठोरता जो हमेशा हारते हैं इसका भी इसमें सिग्निफाइज करते हैं। और सबसे बड़ा इसमें जो और सबसे बड़ा जो दिवाली का परिभाषा यह है कि इसमें रावणा द डिमोन किंग, श्रीलंका का लॉर्ड रामा का रानी सीता मैया को अपहरण करके लेके गया था। और अपहरण के वक्त और लॉर्ड रामा ने उसको युद्ध करके अपना युद्ध में डिमोन किंग रावणा को हरा के अपना अयोध्या में लेके आया था। और अयोध्या वासी ने उसका कुशी में अपना लॉर्ड रामा का कुशी में 14 इयर्स वो लोग वनवास मिले थे। तो उसमें 14 इयर्स का भी वनवास ख़त्म होते हैं और अपना सीता मैया को भी वापस लेके आते हैं अपना अयोध्या में आफ्टर 14 इयर्स वनवास करके। तो अयोध्या का प्रजा ने बहुत खुशी से धूमधाम से अयोध्या के प्रजा ने बहुत खुशी से धूमधाम से दिया जला के पटाखे क्रैकर्स और से स्वागत किया था, दिया जला के रंगोली बना के। तो ये सिग्निफाइज करते हैं कि हमेशा अच्छाई का जीत होते हैं ये दुनिया में और अहंकार का हार होते हैं, अभिमान का हार होते हैं, ऐसे ये त्यौहार जो प्रतीत होते हैं। जितना भी अभी अपना घर में निराश होके बैठे हैं, दुख भरी कष्ट होके बैठे हैं और डिस्पेयर होके बैठे हैं, निराशा होके बैठे हैं, तो उसका भी एक दिन हार होगा। तो आप लोग सब्र रखिए, अपना समय आने दीजिए, अपना समय पे हर कोई जीत होंगे तो उसी का ये सिग्निफाइज करते हैं। दिवाली का खुशी में बच्चों लोग रंगोलीस बनाते हैं, दिया जलाते हैं और क्रैकर्स पटाखे फुटाते हैं, बहुत खुशी होते हैं। और ये त्यौहार मुझे बहुत पसंद है, दिल से मैं बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें फायर वॉक फायर का साथ में आग का साथ में हम लोग का फेस्टिवल जो जुड़ा हुआ होता है। और अग्नि जो आग जो हम लोग का एनर्जी होते हैं, बिना आग का हम लोग ज़िंदगी जीना मुश्किल है, हर चीज़ तो आग से शुरू होते हैं। और साथ साथ में दिवाली में न्यू इरा का बिगनिंग होते हैं। दिवाली में हम सब एक दूसरे को तोहफा देते हैं, नया साल का शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि नया साल भी आने वाला है। तो नया इरा को हम लोग स्वागत करते हैं दिवाली के तौर पे। तो मेरा हिसाब से दिवाली का कोर आइडियाज तो ड्रीम ऑफ गुड ओवर इविल्स, हमेशा गुड जीतेंगे, हमेशा सही रास्ता जो दिखाएंगे हम सभी को और गलत रास्ता जो हमेशा हम लोग को धुवाएंगे, तो इसका दिवाली का यही परिभाषा है मेरे हिसाब से। और लास्टली रंगोली और दिया जो नेगेटिव एनर्जीज को हम लोग का घर से सभी का स्वभाव से नेगेटिव एनर्जी हम लोग का अंदर में जितना भी खराब कैरेक्टर से उसको भगा देते हैं और सही और अच्छा एनर्जी हम लोग को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए मैं अपना दिवाली को कैसे मनाया है अपना घर में आप सभी को मैं शेयर करूँगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, मुझे प्यार कीजिए, मुझे प्यार दीजिए मेरे चैनल को, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए।
मैं दुकान जाऊंगी, दुकान से दिवाली का सामग्री लाऊंगी, पूजा सामग्री, और आप सभी को मैं दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेंगे दुकान से, और दुकान से वापस आके मैं दिवाली का त्यौहार को, दिवाली का पूजा को मैं पूजा अर्पण करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे और आप देखते रहिए मैं क्या क्या करती हूँ। तो अभी के साथ टाइम 5 PM हो गया, तो मैं अभी जा रही हूँ और वापस आके आप सभी को फिर से मैं मिलूँगी। तो अभी के लिए यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, बाय बाय। दिवाली का सामग्री तैयार आंटी के द्वारा, दिया ले लिया मैंने, और इसको क्या बोलते हैं, इसको धागा, दिया का धागा, कच्चा सूता, दिया का कच्चा सूता मिला, धोती सूता खादी का, और ये तेल लेना बाकी है यहाँ पे। हाँ, ये दिया 10 रुपया में 5 टू उसका दाम है, और ये बड़ा का इसका 10 रुपया है एक का, ये बड़ा साइज है, और ये छोटा साइज 10 रुपया में 5 टू। ये ओयान का, ओयान चार अभी का नज़ारा है, हम लोग अभी बॉम खरीदेंगे, बॉम को पापा खरीद लिया। हाँ, बॉम को पापा खरीद लिया, सिर्फ वो आकाश वाला का खरीद दो ना। बॉम को पापा खरीद लिया। हाँ, ओ अच्छा हो, आकाश में उड़ के वो फैन करके आते हैं ना, वो बहुत सुंदर नज़ारा। लक्ष्मी माता की पोर्ट्रेट बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। शिवानी का दुकान है आज मालूम हुआ। शिवानी तो बहुत अमीर निकला है, मेरे स्टूडेंट है। हम लोग भैया को पहचाना है। ओयान चाराली का नजारा, अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सियांग। हम लोग दिवाली का मार्केटिंग करने आया है थोड़ा सा, मैं और मेरा अपना बेटी थोड़ा सा मार्केटिंग के लिए बाहर आया है। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। अभी हम लोग दिया ले लिया है, अभी थोड़ा सा मछली लेंगे अपना सास ससुर के लिए। जिसको मैं पसंद है वो मछली नहीं है, सरपार मछली मुझे पसंद है, लेकिन ये इसका मछली का नाम क्या है, सेपर, सेपर और मिक्सर। इसे थोड़ा सा बराना चाहिए, आएगा वो, आएगा ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सब्जी मार्केट माँ मछली लांगो ना आरुण है। बयान का नजारा है, मिठाई लेने का टर्न है, अब इसमें से कौन सा लूँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया। जूस भी लो ना, लड्डू कहाँ गया, लड्डू दिखाई दे रहा है, जूस भी लो ना, क्योंकि लड्डू इसमें लड्डू खत्म हो चुका है, इसलिए अनारकली से लूंगी का।
का सामान लेके वापस जा रही है अपने घर की तरफ। अगरबत्ती जलाना बाकी है, अभी शुरुआत है, ये सामग्री तैयार कर रही हूँ लक्ष्मी पूजा के लिए। हाय हेलो गाइस, हम लोग का दिवाली मनाने जा रहे हैं, हम लोग सिंपल वे में मनाने जा रहे हूँ। आप देख सकते हैं हम लोग का ये तैयार हो गया, लक्ष्मी माता की पोर्ट्रेट को मैंने रख दिया है यहाँ पे, और ये बीच में आप देख सकते हैं इतना प्यारा सा लक्ष्मी माँ की फोटो। तो हर घर में लक्ष्मी जी हो और धन पधारे, हर किसी का घर में धन पधारे, मैं ऐसे कामना करूँगी आप सभी के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए भी। और ये देखिए मेरा बच्चा पाटिल लोग आ गया। हाँ ये आ गया बच्चा पाटिल लोग, हुआ इसको जगा दोगे? हाँ अभी नहीं, मकौल, मकौल। अभी नहीं, हाँ उसको रख दो ना, तो अभी नहीं। एवरीवन, मेरे व्यूअर्स लोग के लिए आप सभी को मैं शुभकामना करती हूँ कि आज का 2023 का दिवाली सबको दिवाली अपना लोलू मैं वो विश दू हैप्पी दिवाली अपना कुछ जला के रख दिया लाइन लाइन है। दिवाली का दिन में माता लक्ष्मी की याद में जो रावण ने रावण को मार के राम ने अपना वापस अयोध्या आया था, तो उसका याद में आप देख सकते हैं इसमें हम लोग लगाया है। हैप्पी दिवाली एवरीवन, मेरे व्यूअर्स आप सबको भी मैं हैप्पी दिवाली शुभकामनाएं करती हूँ। आप सबको ये दिवाली में नया नया शौस उत्पन्न करे आप सभी का मन में, और पॉजिटिव थॉट आए और चिंता से मुक्त हो जाए और गरीबी से मुक्त हो जाए, निरोग रहे, शांति रहे और खुशी रहे आप सभी। मेरा दिवाली गिरेगा गिरेगा। अभी हम लोग आरती करने के लिए कोशिश करेंगे, तो मेरा सासू माँ पूजा कर रही है। और अभी लाइन लाइन देखो तो यहाँ में हम अभी आरती करेगा, भजन गाएगा, तुम लोग पीछे पीछे गाओ। हाँ अभी अभी मत के लो होगा, इसको हम लोग भजन कीर्तन थोड़ा सा करूँगी गणपति बप्पा का नाम में और लक्ष्मी माँ के नाम में, वो लोग खुशी हो जाए हम लोग का भजन कीर्तन से। मम्मी ये लक्ष्मी माता की पूजा, आओ आओ आओ, हम थोड़ा सा भजन कीर्तन कर दे आप सभी के लिए भी मैं करूँगी। सब खुशी रहे, मंगल रहे, सब अमीर रहे ये दुनिया में, मेरा दोस्त भी अमीर रहे, मेरा परिवार अमीर रहे और मैं खुद भी अमीर रहे। ऐसा करके फिर एक बार में स्टॉप कीजिए ना, निर्विघ्न सर्वदा वक्र तुम देवम सुरवकोचि समक् सर्वभाव निर्विघ्नं कुर्वदेवा सर्वकार्यस्तु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, हस्त विनायक नमो नमः। ओम गणपति पापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम महालक्ष्मीये नमो नमः, ओम विष्णु प्रयाय नमो नमः,
जननिया नमो नमः। ओ महालक्ष्मीये नमो नमः। ओम विष्णुपराय नमो नमः। ओम धनप्रधाय नमो नमः। ओम विश्व जननिया नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। गणपति बाप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया, महालक्ष्मी जी की जय, महालक्ष्मी जी की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी। माते पर तिलक चौहे मोस की सवारी, पान चरे फूल चरे और चरे मेवा। लदवन में भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत को इनको काया, अंधे को आँख देत को इनको काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। शूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम शांति शांति शांति। हे महालक्ष्मी माता और कुबेर देवता और गणपति बाप्पा और धन्वंतरी भगवान, हम सभी को आप कृपा करें, हमारे मन को शुद्ध करें, परमात्मा की आस्था भर दे, हमें सच बोलने दे, हमें सही रास्ता दिखाए और आपके मंत्र को मेरा मन में बसते रहने दे और आपका मंत्र को सच्चे मन से जप करने से जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते और पद प्रतिष्ठा सौभाग्य का प्रतीत हम सभी को आप कृपा करते रहे। ओम शांति। परम ईश्वर के प्रति योग्य आस्था हम सभी के लिए मानव जीवन को अध्ययन करने वाली यह संस्कृति एक संप्रदाय मात्र नहीं है, हमारे विश्वास भी है और हमारे जीवन भी है और हमारे आशीर्वाद भी है और हमारे दुआ है, हमारे कामना है और हमारे स्वरूप है, जिसमें भौतिक आध्यात्मिक प्रगति सिद्ध होती है। वो है हमारे मन की सच्चे परमेश्वर के प्रति प्यार प्रेम भावना, वो ही असली धर्म होते हैं। देखो आप सबको मंगल रखे भगवान, लक्ष्मी माता और गणपति पापा कुबेर भगवान, आप लोग का घर में सब धन संपत्ति दे। मैं भगवान ऐसे कृपा करना है हम सबको, जगत का जितना भी आदमी है नर नारी है सबको सुखी शांति और अमीर रखना है। एक मजा नजारा आप लोग देखने वाला है। हमें अपने परमेश्वर की प्रति भावना प्रेम और स्वरूप को हमारे अंदर ही हमेशा कोचना चाहिए। हमारा भीतर की ओर देखिए, बाहर की ओर कदापि नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे दिल में ही रहते हैं सदा के लिए। कल हो या परसों या युगों के बाद, पर सत्य की विजय अवश्य होगी, इसलिए हम सभी हमेशा सत्य का साथ ही चलना है और सत्य का निर्णय
सत के द्वारा ही करते हैं, अन्य किसी के द्वारा से नहीं। में पूजा सामग्री हम लोग तैयार किया है, थोड़ा सा इतना बड़ा से नहीं बनाया है, ऐसे सिंपल से। ओहो बच्चा लोग आ जाओ, आ जाओ कम्मू आ जाओ। जितना भी धन संपत्ति दिया है आप सही सलामत रखने के लिए शक्ति दे हमें। ओ आ गया अम्मू आ गया, वाओ टीवी पर हम यही। दिवाली के अवसर पर आप सभी को हैप्पी दिवाली, ननुम तकाम हम हैप्पी दिवाली हम लागो कुमले बिदु वक्त व्यूअर्स के दरंते वक्त आंगों आरुम वक्त परिवार नियर एंड डियर ननुम तकाम ईश्वर को आई तो मलांका हम लाग कुमले बिदु ईश्वर दोन जी पोलो कलो गए बस सिंपल पर दिवाली हम मनी दो। हम लोग भी ऐसे सिंपल वे में हम लोग भी दिवाली मना रही है, बड़ा से नहीं लग्जरियस से नहीं ऐसे नियम से। और ये मेरा दीदी का बच्चा लोग भी आ गया, तम्मू देखो हाय बोलो, ये मेरा दीदी का बेटी है, हाय हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली एवरीवन, यानी का व्यूअर्स लोग को हैप्पी दिवाली। हाँ बहुत किया, हाँ सुना तो हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली तो हैप्पी दिवाली तो एवरीवन तो नो नान ब्रूम से मिल सको, नो नान ब्रूम से काय ना, नो नान ब्रूम से तो सा तभी तो नान ओ बाओ हैप्पी दिवाली है तो सा सा हैप्पी दिवाली तो कितना सुंदर है। भगवान हम लोग को प्यार करो या ना करो लेकिन ऐसा आती और अच्छा रखने से दिल में खुश होता है, बहुत अच्छा रखने से सुकून मिलता है। तो आप सभी के लिए प्रे करूँगी, आप सभी को मेरा व्यूअर्स लोग को मेरा परिवार लोग को मेरा नियर एंड डियर लोग को मंगल रखे शुभ रखे और बीमार से दूर रखे और नेगेटिव एनर्जी से बचाए, वजन सुरक्षा रखे आप सभी को। और ये भगवान का नाम में तो आसान मीठा लिया है, कल धनतेरस में मैं लड्डू लिया था, इसे लड्डू कितना खाएगा ऐसे सोच के आज में अनारकली लिया है। तो ये रहा, मैं बहुत खुश हूँ आज का दिन में धनतेरस पूजा भी मैंने किया है और दिवाली का पूजा भी पालन करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। दिवाली आप लोग कमेंट और लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को। दिवाली मुझे बहुत अच्छा लगती है क्योंकि इसमें फायर वॉक है, इतना सुंदर दिया है। और दिवाली का अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं दिवाली की तरफ से। और ये फेस्टिवल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें लाइन दिया जला के भगवान का नाम में, लक्ष्मी माता के नाम में, कुबेर भगवान के नाम में और धनवंतरी भगवान के नाम में और बहुत सारा भगवान का नाम में इस पर दिया जलाए जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि रामा लॉर्ड रामा रावण को श्रीलंका में हरा के सीता मैया को लेके अपना अयोध्या वापस आया था त्रेता युग में, सत्ययुग कलयुग द्वापर युग और त्रेता युग में रामा था। तो लॉर्ड रामा ने अपना सीता मैया को श्रीलंका से रावण का सीता मैया को जीत के आया था, तो उसी का अवसर पे खुशी की ये दिवाली हम लोग मना रही हूँ। त्रेता युग का समय से अभी भी ये चल रहा है, बहुत अच्छा बात है, ये संस्कृति को पूरा जारी रखा है, ये बहुत हम लोगों के लिए आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एज़ पर माई व्यू। क्योंकि ये बच्चा लोग जितना भी नया बच्चा जन्म लेते हैं उन लोग को मालूम होगा कि दिवाली क्यों मनाते हैं। तो दिवाली क्यों मनाते हैं उसका उत्तर तो यही होगा कि लॉर्ड रामा रावण को युद्ध में हरा के अपना सीता मैया को अपहरण किया था। रावण राजा लंका का राजा रावण ने
सीता मैया को अपहरण किया था, उस अपहरण को युद्ध में जीत के अपना सीता मैया को लॉर्ड रामा ने जीत के वापस ले लिया अयोध्या में। हाँ, के लिए तो का अपना राज्य अयोध्या में जीत के लेके आया था। हाँ, उसी का खुशी में जीतने का, वो युद्ध को जीतने का खुशी में उधर में कोलकोस चला रहे हैं, और लोग जीतने का खुशी में वो वापस घर आते समय में वो अयोध्या के राज्यवासी, अयोध्या के राज्य प्रजा लोग उसको लॉर्ड रामा को खुशी से स्वागत किया था, ऐसा दिया जला के अपना घर घर में। उसी का प्रतीत है दिवाली। तो वो त्रेता युग का समय से अभी तक कलयुग में ये फेस्टिवल, ये त्यौहार चल रहा है। ये बहुत अच्छा त्यौहार है, मैं बहुत पसंद है ये फेस्टिवल को, दिवाली फेस्टिवल को। तो आप सभी को मैं मेरा तरफ से शुभकामना है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। दिवाली में आप सभी को मैं शुभकामना करती हूँ कि आपका मन शार्प रहे, आपका घर में प्रोग्रेस आए, डेवलपमेंट आए, और आपका आर्थिक परिस्थिति से मुक्त मिले आप सभी, और दिमाग निरोग रहे और खुशी रहे आपका। दिवाली में मैं आप सभी के लिए यही दुआ कर देती हूँ। ये रहा हिंदू फेस्टिवल से सबसे अच्छा फेस्टिवल ये दिवाली को मैं मानती हूँ। चाय आ जाओ। सब बच्चा लोग अभी खेलने का तैयारी में है। हाँ, ये आ गया मेहमान। ओहो, उसको एक्स्ट्रा है ना वो। हैप्पी दिवाली एमपी, तो हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली नम टाका मैम। हैप्पी दिवाली तो हैप्पी दिवाली। अब किन्ना मुझे ओ तुमको डर लगता है, तुमको डर लगता है। हम लोग भी हैप्पी दिवाली तो हैप्पी दिवाली। अब क्या खाने दो। ओ वाह वाह, हैप्पी दिवाली। हाँ, ये दर्शन करो, आया हूँ दीदी। हाँ, हम लोग को अमीर होने दो, बड़ा होके ऐसा बोलो। हाँ, सब दर्शन करो, भगवान को दर्शन करो। हाँ, हम लोग को अमीर होने, हाथ जोड़ो ना। हाँ, अच्छे से तैयार करो, आया हुआ दीदी को बड़ा होके मोटर गाड़ी होने दो, गाड़ी होने दो, अमीर होने दो हम लोग आया हुआ दीदी को। और अमी भी हाँ प्रेयर करो, और अमी दीदी को भी अमीर होने दो, अच्छा से रहने दो, बीमार से मुक्त रहने दो। अब रक्षा कीजिए भगवान, आपका हाथ में सौंप देती हूँ। हाँ, अनु भी प्रेयर करो, अनु भी। अरे हाँ, इचोर हम लोग का काम को बड़ा आदमी बनने दो, और अमीर होने दो, गाड़ी होने दो, बंगला होने दो।
कहने की तरफ है मैं फोन नहीं लूंगा मेरा फोन नो राम बिना लोसमान भी सोलह बसर को बनवास गए लग गया और पूरे आपको मैं बोलूँ हमारे खुलाए मैं खुलाए चलो Oh,